हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सरसों की ए टू जेड जानकारी के बारे में कि सरसों की बुआई हमको कब करनी चाहिए, इसकी फसल अवधि क्या होती है, सरसों की खेती के लिए हमको खेत तैयार कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी जुताई करनी चाहिए, सरसों की खेती जब भी हम करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, इसके बीजों को उपचारित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी कौन कौन सी हाइब्रिड किस्में होती हैं, इसके लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए और इसकी बोने की विधि कौन कौन सी होती हैं, सरसों की खेती में हमको कौन कौन से उर्वरक लगाने चाहिए, कितनी मात्रा में लगाने चाहिए और कितनी सिंचाई करनी चाहिए, कब सिंचाई करनी चाहिए, और सरसों की फसल में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं, उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए, सरसों की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके नियंत्रण के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरसों की बुआई हम कब कर सकते हैं, इसका एक उचित समय कब होता है। तो सरसों की बुआई आप, सरसों की फसल एक रबी सीजन की फसल है, इसकी बुआई आप 10 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी फसल अवधि कितनी होती है। तो इसकी फसल अवधि 120 से 150 दिन के बीच में होती है। इसकी हम खेत की तैयारी कैसे करते हैं और इसके लिए कितना तापमान का होना आवश्यक होता है। तो सरसों की फसल के लिए, जो कि हमने पहले बताया कि ये रबी सीजन की फसल है, इसकी खेती के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना आवश्यक होता है। सरसों की खेती के लिए हम खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो सरसों की खेती के लिए सबसे पहले हमको मिट्टी का चयन करना पड़ता है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो सरसों की खेती हम लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं, जैसे दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इन सभी मिट्टियों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। और सरसों की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए वो लगभग 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। और सरसों की खेती के लिए जब भी हम खेत की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। और सड़ी हुई गोबर की खाद का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले उसमें ये देखते हैं कि उसमें कंकड़ पत्थर और पॉलीथिन नहीं होने चाहिए, एक शुद्ध सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। इसकी मात्रा कितनी हमको प्रयोग करनी चाहिए, तो लगभग 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों की खेती के लिए। उसके बाद आप पहली जुताई कर सकते हैं। पहली जुताई आप मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई कर सकते हैं, और उसके बाद आप कल्टीवेटर से 2 या 3 बार जुताई करके अंतिम जुताई करके पाटा लगाकर आप खेत को समतल करके छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम सरसों की बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है। तो इसकी जो बीज दर है, इसकी बीज दर 1.5 किलो से लेकर 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बीजों को हमको उपचारित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब लगभग सभी किसान भाई मार्केट से बीज को लेकर आते हैं और उन बीजों की बुवाई करते हैं। तो जो भी मार्केट से हाइब्रिड बीज आते हैं, उन बीजों को उपचारित करना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वे बीज उपचारित किए हुए आते हैं। यदि किसान भाई अपने घर का बीज बो रहे हैं, अपने घर की सरसों बो रहे हैं, तब आप उसको उपचारित कर सकते हैं। यदि आप उसको उपचारित कर रहे हैं तो लगभग 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम या बाविस्टिन लेकर आप 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 ग्राम कार्बंडाजिम ले सकते हैं या थायराम ले सकते हैं। 4 से 5 ग्राम थायराम या कार्बंडाजिम को लेकर 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं, और उपचारित करने के बाद उसको आप ठंडी जगह पर और छाया में आप उसको 1 से 2 दिन सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी हाइब्रिड किस्में होती हैं। तो हम एक नज़र हाइब्रिड किस्मों पर डाल लेते हैं। सरसों की बहुत सारी हाइब्रिड किस्में हैं और अलग अलग कंपनियों की अलग अलग हाइब्रिड किस्में।
काफ़ी हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सरसों की वैरायटियों की बुवाई की जाती है। तो जो हमारे संज्ञान में है उन वैरायटियों को हम आपको बता दे रहे हैं। उनमें जो पहली वैरायटी है वो है श्रीराम कंपनी की श्रीराम 1666, उसके बाद पायनियर 45S46, उसके बाद पायनियर 45S42, पायनियर 45S35, क्रांति, एडवंटा की ADV414, PA5210 जो कि क्रिस्टल कंपनी की वैरायटी है, PA5222 ये भी क्रिस्टल कंपनी की वैरायटी है, AHBJ7744 जो कि एक्शन हाइब्रिड कंपनी की वैरायटी है, और एक और पायनियर कंपनी की वैरायटी है जो कि 45S47 है। और जितनी भी हमने आपको वैरायटियाँ बताई हैं इन सभी वैरायटियों की हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है और उनकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हाइब्रिड किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में बहुत सारी हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियाँ हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियाँ किसान भाई होते हैं। तो आपको जो भी अच्छी लगती है वैरायटी, जो भी आपके यहाँ अच्छी पैदावार देती है, उस वैरायटी को आप अपने यहाँ बो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम बीज की बुवाई करते हैं तो बुवाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बीज की बुवाई आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप छिटकवा विधि के द्वारा सरसों की बुवाई कर सकते हैं, दूसरा आप सीड ड्रिल मशीन द्वारा बुवाई कर सकते हैं। यदि आप सीड ड्रिल मशीन द्वारा इसकी बुवाई कर रहे हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हम सरसों की खेती करते हैं तो सरसों की फसल में हमको खाद और उर्वरक का कैसे प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा हमको प्रयोग करनी चाहिए। तो हमने खेत की तैयारी के समय बताया है कि उसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और अंत में जुताई करके पाटा लगाकर समतल खेत छोड़ सकते हैं। तो जब अंतिम जुताई के बाद आप पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं, उसके बाद यदि आप बुवाई करते हैं, चाहे आप छिटकवा विधि से बुवाई कर रहे हैं, चाहे आप सीड्रिल मशीन द्वारा बुवाई कर रहे हैं, तो उस समय आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि DAP आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो आप NPK जो कि 12:32:16 अनुपात में आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी आप 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से आती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर जो कि 80% में आती है, 90% में भी आती है, एक दानेदार में भी आती है, तो आप किसी भी सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इन तीनों खादों को आप खेत की तैयारी के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं बुवाई के समय। बुवाई करने से पहले आप इनको खादों को खेत में बिखेर सकते हैं और बिखेरने के बाद आप बीज की बुवाई कर सकते हैं। बीज की बुवाई करने के बाद सरसों की फसल में ज़्यादातर खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब आपकी सरसों की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाती है या 30 से 40 दिन की हो जाती है तो उस समय आप सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करते समय आप उसमें लगभग 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 90% WDG सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है उस समय सिंचाई, पहली सिंचाई के समय। अब बात करते हैं कि जब भी हम सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी सिंचाई करने पर हमको क्या करना चाहिए। तो जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं तो सरसों की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज पर हो उस समय आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं, और जब भी आप फ्लावरिंग स्टेज पर जब दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि उस समय तेज हवा नहीं चल रही हो और मौसम बिल्कुल साफ हो, उसी समय आपको दूसरी सिंचाई करनी चाहिए जो कि फ्लावरिंग स्टेज पर की जाती है। तो जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लावरिंग स्टेज पर, उस समय आप यदि किसी भी कंपनी का
लिक्विड फॉर्म में यदि पोटास आता है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रिज्म कंपनी का पोटास आता है लिक्विड फॉर्म में आता है और वो लगभग 45% लिक्विड फॉर्म में पोटास आता है जो कि बायो में है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ यदि कोई पोटास लिक्विड में उपलब्ध है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 500 ml से 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय यदि स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप किसी भी एक फंजीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। फंजीसाइड आप जैसे कि साफ फंजीसाइड को ले सकते हैं जो कि UPL कंपनी की आती है। इसमें 12% कार्बन डाइजिम होती है, 63% इसमें मैंकोजिब होती है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आप किसी कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड है जो कि 17% 8SL फॉर्म में आता है, उसको आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और NPK का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो NPK जो कि 0:0:50 अनुपात में आती है मार्केट में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सरसों की फसल में खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमको सिंचाई कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो सरसों की फसल एक रबी सीजन की फसल है और ये कम पानी चाहने वाली फसल है। इसमें 2 या 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। आप पहली सिंचाई लगभग बुवाई के 30 से 35 दिन बाद दे सकते हैं, दूसरी सिंचाई आप बुवाई के लगभग 50 से 55 दिन बाद दे सकते हैं, और जो तीसरी सिंचाई है वो लगभग आप 80 से 90 दिन के बीच में दे सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई लगभग 2 ही सिंचाई करते हैं, और 2 सिंचाइयों में सरसों की फसल काफ़ी अच्छी होती है और अच्छी पैदावार भी निकलती है। तो ज़्यादातर किसान भाई 2 या 3 ही सिंचाई करते हैं, और 2-3 सिंचाई करते हैं। हमने जो आपको टाइम टेबल बताया उसी समय पर सरसों की सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम सरसों की खेती कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं और उनको हमको कैसे नियंत्रण करना चाहिए। तो सरसों की फसल की जब भी हम बुवाई करते हैं तो बुवाई करने के लगभग 15 से 20 दिन बाद उसमें कई अलग अलग तरह के खरपतवार उगते हैं, जैसे बथुआ, खरतुआ, सेहूं, हिरनखुरी, ये लगभग खरपतवार उगते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको क्या करना चाहिए। यदि आप पहले से इनको कंट्रोल कर रहे हैं तो बुवाई करने के लगभग 24 से 48 घंटे बाद इसमें पेंड मेथिलीन जो कि 30% EC फॉर्म में आती है, उसको आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। कब? जब आपकी फसल की बुवाई हो जाती है उसके 24 से 48 घंटे के बाद। यदि आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो जब आपके खेत में ये खरपतवार उग आते हैं तो उसके बाद आप उसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और सरसों की फसल में 1 या 2 निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ती है और आपके खेत से खरपतवारों का खात्मा हो जाता है। अब बात करते हैं कि सरसों की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनको कैसे नियंत्रण करना चाहिए और कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो सरसों की फसल में अलग अलग कई रोग लगते हैं। उनमें जो पहला रोग है वो है पत्तों पर धब्बा, जिसको हम लीप स्पॉट बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में पत्तों के निचले सिरे पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, और धब्बे वो पड़कर पत्ते पीले हो जाते हैं और पीले होकर वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, और स्प्रे आप जब भी कर रहे हैं तो आप UPL कंपनी का साफ फंजीसाइड ले सकते हैं। साफ फंजीसाइड में कार्बन डाइजिम 12% और मैंकोजिब 63% होता है जो कि WP फॉर्म में होता है। ये टेक्निकल लगभग पेस्टिसाइड कंपनियां, सभी कंपनियां इस टेक्निकल को देती हैं। आप किसी भी कंपनी के इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं जो कि 12% कार्बन डाइजिम और 63% मैंकोजिब टेक्निकल होता है। इस टेक्निकल को आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और उसको आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप एक सिंजेंटा कंपनी का एमस्टार नाम से प्रोडक्ट आता है,
अडामा कंपनी का मिराडोर के नाम से प्रोडक्ट आता है, रेनोवो कंपनी का एजॉक्सी के नाम से आता है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं और उनमें एक ही टेक्निकल पाया जाता है जो कि एजॉक्सी स्ट्रोबिन 23% एससी फॉरम में पाया जाता है। उसको आप लगभग 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके पत्तों पर धब्बे नहीं बनेंगे और ये रोग कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद एक दूसरा रोग है, दूसरा रोग जड़ सड़न रोग है जिसको हम रूट रॉट भी बोलते हैं। इसके कंट्रोल के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इसके कंट्रोल के लिए एक टेक्निकल कॉम्बिनेशन आता है जो कि एजॉक्सी स्ट्रोबिन 11% और टेबिकोनाजॉल 18.3% एससी फॉरम में आता है। ये टेक्निकल जैसे अडामा कंपनी कस्टोडिया के नाम से देती है, रेनोवो कंपनी वीवो के नाम से देती है, या आप सिंजेटा कंपनी का एमस्टा टॉप फंजीसाइड आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे में आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप किसी भी एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जब भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन पाउच आते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल्डामाइसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप बेल्डामाइसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेल्डामाइसिन आप लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा रोग है, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। ये रोग भी आपकी सरसों की फसल में लग सकता है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, इसके कंट्रोल के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि 50% WP फॉरम में आती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमने जो पहले बताया है जो कि कार्बोंडाजिम 12% और मैंकोजिब 63% वाला जो टेक्निकल है जो कि WP फॉरम में मिलता है, और ये पेस्टिसाइड्स लगभग सभी कंपनियां इस टेक्निकल को देती हैं, जैसे UPL कंपनी साफ के नाम से देती है, तो आप इसको 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ आप किसी भी एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक चौथा रोग है, और चौथा रोग है तना सड़न जिसको हम स्टेम रॉट भी बोलते हैं। यह सरसों की फसल का बहुत ही खतरनाक रोग है। इसमें क्या होता है कि पहले इसमें जो सरसों के तने होते हैं वो बीच में से सड़ जाते हैं और सड़कर वो सूखकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इसके कंट्रोल के लिए आप जो कि हमने पहले भी बताया है एजॉक्सी स्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% वाले टेक्निकल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एक बायर कंपनी का प्रोडक्ट आता है जो कि नेटवो आता है, एक FMC कंपनी का प्रोडक्ट आता है जो कि गैजोको नाम से आता है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। FMC के गैजोको प्रोडक्ट में और बायर के नेटवो प्रोडक्ट में सेम टेक्निकल पाए जाते हैं और उनमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं, टेबुकोनाजोल पाया जाता है और इसमें ट्राईफ्लॉक्सी स्ट्रोबिन पाया जाता है, तो आप उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। उनको यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक पांचवा रोग इसमें है जो कि सफ़ेद रतुआ है जिसको हम वाइट रस्ट भी बोलते हैं। ये सरसों की फसल का मुख्य रोग है और अधिकतर ये सरसों की फसल में रोग लगता है। इस रोग के कारण क्या होता है कि पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के फफोले बन जाते हैं और कुछ दिनों में वो फफोले तेजी से फैलकर पत्तियों और तनों पर सफ़ेद रंग का चूर सा बना देते हैं। इस रोग का जब भी प्रकोप अधिकतर होता है तो इस रोग के कारण पौधों पर फलियां नहीं बनती हैं और फलियों में दाने नहीं बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए आप एजॉक्सी स्ट्रोबिन 23% एससी फॉरम में जो आती है, जो इस टेक्निकल को जैसे कि सिंजेटा कंपनी एमस्टार के नाम से देती है, अडामा कंपनी
मिराडोर के नाम से देती है। इन टेक्निकल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक छठवां रोग है, और छठवां रोग है उकठा रोग। इस रोग में पहले पौधे मुरझाते हैं और मुरझा कर पौधे पूरी तरीके से सूख जाते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं। उकठा रोग का कोई भी एक एक्यूरेट इलाज नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए आप जब भी खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करते समय आप 2 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका एक कोई एक्यूरेट इलाज नहीं है। इसके बाद एक सातवां रोग है, और सातवां रोग है वो है पाले से बचाना। जैसा कि सरसों की फसल एक रबी सीजन की फसल है, और सरसों की फसल जब उसकी स्टेज फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर होती है उस समय पाला अधिक पड़ता है। तो जब पाला पड़ता है तो पाले से हमको सरसों की फसल कैसे बचानी चाहिए, और पाले से हमको क्या नुकसान होता है कि जब आपकी सरसों की फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर है उस समय यदि पाला पड़ रहा है तो आपकी सरसों की फसल में फलियां और दाने नहीं बनते हैं, और ये काफ़ी भयंकर समस्या है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसकी रोकथाम के लिए आप खेत के चारों ओर शाम को धुआं कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल पर पाले का असर नहीं पड़ता है, और आप पाला पड़ने से पहले उसमें सिंचाई कर सकते हैं। इन्हीं दो तरीकों से आप सरसों की फसल को पाले से बचा सकते हैं। जब आप सरसों की फसल में सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं तो आपकी फसल में पाले का असर नहीं पड़ता है। तो ये रहे सरसों की फसल के मुख्य रोग और उनके नियंत्रण। अब बात करते हैं कि सरसों की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए। तो सरसों की फसल में कुछ कीट भी लगते हैं। इसमें जो पहला कीट है वो है चेपा। चेपा जो कि ये कीट पौधे के पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है और छोटा रह जाता है, और फलियां ठीक से नहीं बनती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इसके नियंत्रण के लिए आप इमीडा क्लोप्रिड जो कि 17.8% SL फॉर्म में आता है, इस टेक्निकल को लगभग पेस्टिसाइड सभी कंपनियां देती हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप साइपरमेथ्रिन जो कि 25% आती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि PI कंपनी कोल्ट 25 के नाम से देती है, और सभी पेस्टिसाइड कंपनियां इस टेक्निकल को भी देती हैं। तो आप साइपरमेथ्रिन को भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो कीट है वो है बालों वाली सुंडी, जिसको हम हेयर केटल पलल बोलते हैं। ये सुंडियां क्या करती हैं, ये सुंडियां पत्तियों को खाती हैं, जिसके कारण पत्तों में छेद हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो इसके नियंत्रण के लिए आप एक टेक्निकल आता है मार्केट में जो कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में आता है, उसको आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस टेक्निकल को भी लगभग सभी पेस्टिसाइड कंपनियां देती हैं। या फिर एक और टेक्निकल आता है जो कि इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि 1.9% EC फॉर्म में आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा कीट है जो कि दीमक है। ये कीट पौधों की जड़ों को नष्ट करता है, पौधों की जड़ों को खाकर ये पूरी तरीके से नष्ट करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जब भी खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करते समय आप फेप्रोनिल जो कि 0.3% GR फॉर्म में आती है, उसको खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप उस समय प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंचाई के समय पानी के साथ इमीडा क्लोप्रिड जो कि 17.8% SL फॉर्म में आता है, उसको आप लगभग 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं सिंचाई के समय, तो आपके खेत में दीमक का बिल्कुल खात्मा हो जाता है। इसके बाद एक चौथा कीट है जो कि आरा मक्खी है।
आरा मक्खी की कंट्रोल के लिए भी आप पिमिडा क्लोप्रिड 17.8% टैसल फॉर्म को भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको 100 से 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक पांचवा कीट है जो कि पत्ती सुरंग कीट है। ये कीट पत्तियों में सुरंग बनाकर हरे भाग को खाता है जिसके कारण पत्तियों में अनियमित आकार की सफ़ेद रंग की रेखाएं बन जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप एमामेक्टिन बेंजोएट जो कि 5% एसजी फॉर्म में आती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके बाद एक छठवां कीट है जो कि मोयला है। ये कीट क्या है, ये हरे काले और पीले कीट होते हैं। ये पौधे के भागों पत्तियों कलियों फूलों फलियों का रस चूसकर उनको खत्म करते हैं और काफ़ी नुकसान ये करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके नियंत्रण के लिए आप इमीडा क्लोप्रेट जो कि 17.8% एसएल फॉर्म में आता है उसको आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक सातवां कीट है जो कि कटवर्म है, जिसको हम कटुआ कीट भी बोलते हैं, जिसको हम भाइट ग्रब भी बोलते हैं। ये कीट काफ़ी नुकसान करता है और ये कीट जब किसी फसल में लग जाता है तो ये जमीन में रहने वाला कीट है और ज़मीन में रहकर ये पौधों की जड़ों को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, उनको काट देता है, कभी कभी ये पूरी फसल को नष्ट भी कर देता है। इसके नियंत्रण के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके नियंत्रण के लिए जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी करते समय एक टेक्निकल आता है मार्केट में जो कि थायमेथग्जाम 25% WG फॉर्म में आता है, उसको आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके खेत में इस कीट का प्रकोप नहीं रहता है। इसके बाद एक सातवां कीट है जो कि माहू है। माहू ये कीट भी पौधों की पत्तियों का रस चूसते हैं, फलियों का रस चूसते हैं। इसके नियंत्रण के लिए भी आप इमीडा क्लोप्रेट 17.8% एसएल वाले टेक्निकल को 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहे सरसों की फसल के कीट और उनके नियंत्रण। तो इस तरीके से आप कीटों का नियंत्रण भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमको सरसों की फसल में तेल की मात्रा कैसे बढ़ानी चाहिए। तो सरसों की फसल में हमको तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं और जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के समय भी आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं और सिंचाई के समय आप घोल के रूप में भी सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सरसों की फसल की कटाई कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो जब आपकी फसल लगभग 125 से 130 दिन की हो जाती है तो सरसों की फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है और जब पककर तैयार हो जाती है तो आप उसकी कटाई कर सकते हैं। तो उसकी कटाई आप दरांतियों या हसियों से भी कर सकते हैं और हार्वेस्टर से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और इसकी फसल जो है वो लगभग 120 से 125 से या 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार की यदि हम बात करें, इसकी पैदावार सरसों की वैरायटी पर, लगाने के समय पर, लगाने के स्थान पर, मौसम पर, आपकी लागत पर, आपकी देखरेख पर, सभी कारकों पर डिपेंड करती है कि इसकी पैदावार कितनी होती है। इसकी एक एवरेज पैदावार लगभग 12 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है और अलग अलग वैरायटियों की अलग अलग पैदावार होती है। पैदावार होने में कई कारक भी होते हैं। तो लगभग 12 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की पैदावार हो जाती है। किसी वैरायटी की कम होती है, किसी वैरायटी की ज़्यादा होती है, तो सरसों की अच्छी पैदावार भी होती है। तो आप इस तरीके से सरसों की खेती कर सकते हैं। तो ये रही सरसों की A to Z जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।